हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। तो हमारे पास डीबीएमएस में जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास? पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है? कितने होते हैं? पांच। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा मैक्स। मैक्स फंक्शन क्या करता है? हमें किसी टेबल में मैक्स जो वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करके देता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सैलरी मैक्स का अगर हम करते हैं मैक्स, और जो हमारे पैरेंथेसिस है इनमें अगर हम सैलरी करते हैं तो हमारे इनमें से जो मैक्स वैल्यू है जैसे कौन सी है 60,000, ठीक है? तो ये हमें क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। अगर हम बात करें मिन, तो मिन इसका अपोजिट है। मिन क्या दे देगा हमको? 10,000, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पर काउंट फंक्शन। काउंट क्या करता है? बेसिकली एक टेबल में कितने हमारे पास टपल है या फिर कितने हमारे पास रो है, रो के उनको क्या करता है? ये प्रिंट करता है। जैसे हमने यहाँ पर किया सिलेक्ट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि सभी को सिलेक्ट कर लो तो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में मौजूद है। तो ये कितने हो गए हमारे पास? 6, ठीक है? अब बात करते हैं एवरेज फंक्शन की। तो एवरेज फंक्शन क्या करता है? जैसे हमने एवरेज निकालना सैलरी का, तो हम क्या करेंगे? एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे। तो एवरेज फंक्शन क्या करेगा? इन सभी को ऐड करके इनमें जितने नंबर ऑफ टपल्स हमारे पास उनको क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35,000, ठीक है? अब बात करते हैं जो हमारा सम फंक्शन है वो क्या करता है? वो करता है हमारे जितने भी वैल्यू है उन सभी को ऐड कर देता है, ठीक है? जो हमारी सैलरी है उन सभी को ऐड करके प्रिंट कर देगा। जैसे सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसमें क्या जाएगा? 21, सॉरी 2,10,000, ठीक है? सो ये था हमारा एग्रीगेट फंक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।